सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है TVS की दो बीस्ट भाई। एक तरफ है TVS की रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स 310 और दूसरी तरफ है TVS की रेस रेप्लिका 310। जी हाँ भाई, RTR 310 और RR 310। और अगर लुक्स की बात की जाए, सारी चीज़ें सबसे पहली बात हटा दीजिए, अगर लुक्स की बात की जाए 300cc सेगमेंट में, अगर आपको एक नेकेड बाइक लेनी है तो इससे बेटर लुक्स मतलब लुक वाली बाइक जो है नहीं मिलेगी इंडियन मार्केट में। और अगर फियर्ड मोटरसाइकिल लेनी है तो RR 310 से बेटर लुक वाली बाइक आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मैं लुक की बात कर रहा हूँ, हालांकि लुक सब्जेक्टिव होते हैं बट मेरा पर्सनल ऐसा मानना है भाई। तो चलिए इन दोनों का आज एकदम प्रॉपर कंपैरिजन करते हैं, बताते हैं दोनों में से किसको कौन सी लेनी चाहिए, किसको कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर वेरिएंट्स की बात की जाए तो इसमें आपको दो तीन वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, टोटल तीन वेरिएंट्स, और प्लस इस एडिशनल किट भी इसमें आपको लगानी पड़ जाएगी भाई, अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो। इसमें मिला जुला के भाई सिर्फ एक वेरिएंट देखने को मिलता है, ज़्यादा तामझाम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और प्राइस की बात की जाए तो ये करीब आपको 320,000 की देखने को मिल जाएगी ऑन रोड वाराणसी में। ये वाला वेरिएंट है आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये करीब आपको 334,000 का देखने को मिल जाएगा। तो भाई नेकेड वाली जो है वो एक्सपेंसिव है भाई फेयर्ड मोटरसाइकिल से। इसका जो अगर बेस वेरिएंट की बात करूँ तो वो करीब आपको 310,000 की देखने को मिलती है अगर। और ये जो 334,000 आप इसके लिए पे कर रहे हैं ना भाई, तो इसमें आपको सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और जो और सारे फीचर्स हैं, तो वो उसके लिए आपको कम से कम 20-22,000 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तब जाके इसमें वो किट इंस्टॉल होगी, तब जो है आप इसका पूरे फीचर अनलॉक करके इसका मज़ा ले पाएंगे। तो अगर आप वो फीचर्स भी करना चाहते हैं तो 3 लाख मैं कहूँ 34,000 प्लस 22,000 भाई, तो अराउंड 3 लाख 55, 3 लाख कुछ ऐसा भाई 3.5 लाख के आसपास ये पहुँच जाएगी। तो देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे है RR 310 से, बट हाँ काफ़ी कई सारी चीज़ें जो है इसमें भी काफ़ी प्रीमियम यूज़ की है भाई TVS ने, जो अभी मैं आपको बताता हूँ। और फ्रंट से सबसे पहले बात की जाए तो इसमें आपको LED DRLs दोनों ही फिलहाल बाइक में देखने को मिलते हैं। अगर मैं चाबी ऑन करके आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं इसमें आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है, LED DRLs, LED आपको हेडलाइट देखने को मिल जाती है। इसमें प्रोजेक्टर यूज़ नहीं किया गया, LED हेडलाइट, और ये जो है इसमें आपको डायनेमिक हेडलाइट का फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप देखते हैं तो इसकी भी लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, इनबिल्ट हैजार्ड के साथ आती है। और इसका भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑन करके भाई, तो ये देख सकते हैं इसमें आपको डुअल LED DRL तो मिलती है, प्लस इसमें आपको डुअल LED प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है भाई, तो ज़बरदस्त चीज़ है। जो इसमें भी आपको जो हैजार्ड प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाता है, तो दोनों आप एक बार देख लीजिए भाई क्या लग रहे हैं दोनों। और तो सबसे पहले ऑफ़ कर देते हैं, बैटरी लो ना हो भाई। यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं कहूँ LED प्रोजेक्टर जो है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब एक फोकस्ड लाइट देते हैं, ज़्यादा ब्राइटर लाइट देते हैं, बट हाँ अगर उसको देख के कह रहा हूँ ना भाई, उसकी भी LED कमज़ोर नहीं लग रही है मुझे। वो अगर रोड पे दोनों जाएगी तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली RR 310 थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटर हो सकती है। और इसमें डायनामिक हेडलैम्प है, मतलब इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, हालांकि जब ये ऑटो पे लगी रहती है मतलब ये जैसे ही रात में जाएगी तो ये अपने आप ऑन हो जाती है, अंधेरे में जाते मतलब जाते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई, इसमें आप की ऑन करते हैं तो वो डायरेक्ट ऑन हो जाता है। और दोनों ही में फ्रंट में आपको जो है UHD सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन फोक्स 41mm के, दोनों बाइक जो है डुअल चैनल ABS के साथ आती है। और फ्रंट में भाई दोनों बाइक में आपको जो है अगर मैं कहूँ तो 300mm का पेटल डिस्क देखने को मिल जाता है। और वाइब्री के आपको दोनों ही बाइक में डिस्क कैलिपर देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही बाइक में जो 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रंट और रियर दोनों में, और फ्रंट में 110 सेक्शंस का रेडियल टायर भी देखने को मिल जाएगा दोनों ही बाइक में भाई। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको सिमिलर देखने को मिल रही है दोनों बाइक में, और दोनों ही क्या ही खूबसूरत है भाई। मतलब अगर मुझे दोनों में से चूज़ करना रहे ना तो मैं खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाऊँ। और इसका आप देखिए भाई, ये तो है ही एक मतलब बीस्ट, और इसका आप की ऑन करते हैं ना तो ये देखिए कितनी ज़्यादा सेक्सी लग रही है भाई, मतलब एकदम घूर रही है मुझे एकदम भाई। LED प्रोजेक्टर, LED DRL ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल कर देते हैं बंद, और फिर
जो है आपको जो टायर्स यूज़ किए गए हैं दोनों ही जो है मिचलिन के आपको टायर्स देखने को मिल जाते हैं। इंजन भी आपको लगभग सेम ही यूज़ किया गया है, BMW का रिवर्स इंक्लाइन इंजन मिलता है। हालांकि ट्यूनिंग में डेफिनेटली डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ज़्यादा PS पावर और टॉर्क जनरेट करती है, जिसकी बात अभी मैं करता हूँ आगे। और इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं, जो इंडिकेटर्स का है ना भाई, वो भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है LED इंडिकेटर्स, और ज़्यादा बेटर लग रहा है इसके कंपैरिजन में। इसमें भी LED इंडिकेटर है, लेकिन इसमें काफ़ी छोटा, काफ़ी बेसिक सा आपको देखने को मिल जाता है। इसका इंडिकेटर ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। इसका अगर आप इसमें जो है जो इसका किट आता है प्रो वाला, वो लगवाते हैं, तो इसके जो आप फ्रंट के सस्पेंशन है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, और रियर सस्पेंशन तो भाई दोनों में ही आपको आई थिंक एडजस्टेबल देखने को मिल ही जाता है भाई। और लाइट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकते हैं। और गाइस मतलब अगर आप देखते हैं तो कम्प्लीटली एक डिफरेंट कैटेगरी ही है दोनों, ये पूरी हाइपर नेकेड कैटेगरी आप कह सकते हैं, मतलब नेकेड कैटेगरी में आती है। वो जो है पूरा एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक फेयरिंग वाली जो है उस कैटेगरी में आती है। इसमें आपको कोई ऐसा वाइज़र देखने को नहीं मिलता है फ्रंट में, इसमें आपको देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट वाइज़र देखने को मिल जाता है, जिसपे इंडिया का आपको फ्लैग देखने को मिल जाता है, जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे TVS की। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा एक छोटा सा इंडिया का फ्लैग। और फिर आते हैं भाई, अगर दोनों मोटरसाइकिल्स के कर्वेट की बात की जाए तो ये थोड़ी सी लाइटर साइड पे है, ये अराउंड 169 किलो का कर्वेट के साथ आती है, और वो जो है RR 310 174 किलो का कर्वेट के साथ आती है। तो ये थोड़ा सा हैवियर साइड पे फेयरिंग है भाई, डेफिनेटली थोड़ा सा हैवी होगा। और दोनों में जो है आपको 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, दोनों अराउंड 30 से 35 KMPL, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम मैंने प्रॉपर टेस्ट नहीं किया भाई माइलेज का, तो एक्यूरेट नहीं बता सकता। माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग कंडीशन पे भी। वहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है रेस स्पेक लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, यहाँ इसके फ्रेम पे हाइपर स्पेक देखने को मिल जाता है, तो एकदम वो प्रॉपर एक ट्रैक मशीन है, और ये जो है एकदम स्ट्रीट फाइटर। और साइड में दोनों पे आप देख सकते हैं अपाचे का आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है, वहाँ पे RR 310, यहाँ पे RTR 310। दोनों में जो है इंजन, हालांकि जैसे मैंने कहा सेम है वही BMW का रिवर्स इंक्लाइन DOHC मतलब डुअल ओवर हेड कैमशाफ्ट इंजन आपको देखने को मिलता है, और वही 312cc का इंजन है भाई। पावर की बात की जाए मतलब 312cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve का लिक्विड कूल 6-speed गियरबॉक्स और E20 फ्यूल कंपैटिबल दोनों में इंजन आपको देखने को मिल जाता है। पावर जो है वो अराउंड 33.5 BHP की जनरेट करती है एंड 27.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और जो ये है ना भाई ये 35 BHP की पावर जनरेट करती है एंड 28.3 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो, और मतलब आप देख सकते हैं पावर और जो टॉर्क है ये RR 310 से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, अराउंड 1 से 1.5 के आसपास पावर और टॉर्क दोनों ही इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, प्लस इसका वेट भी कम है, तो पावर टू वेट रेशियो इसका ज़्यादा बेटर है डेफिनेटली। इनिशियल में RR 310 आई थिंक इसको नहीं बीट कर पाएगी, टॉप एंड में फेयरिंग का उसको एडवांटेज मिलेगा तो एक बार बीट कर सकती है। टॉप स्पीड की बात की जाए ये आपको करीब 160 km/h के अराउंड जो है टॉप स्पीड अचीव कर लेती है, वो जो है मतलब इसका जो स्पोर्ट मोड है जो सबसे टॉप मोड उसमें अचीव कर लेती है, उसमें जो है आपको स्पोर्ट मोड में अराउंड जो है 170 km/h, थोड़ी सी उसके ऊपर भी चली जाती है ज़्यादा पुश करेंगे तो डेफिनेटली उसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, फेयरिंग का उसको एडवांटेज मिलता है। दोनों का राइडिंग पोस्चर डेफिनेटली एकदम डिफरेंट है, आपको मैं अभी बैठ के भी दिखा देता हूँ। और दोनों में आपको सिमिलर वही एग्जॉस्ट नोड देखने को मिल जाता है, एग्जॉस्ट नोड में कोई भी चेंज नहीं किया है TVS ने। फीचर्स इसमें हालांकि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अगर मैं कहूँ तो असिस्ट एंड स्लीपर क्लच दोनों ही बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें जो है आपको 5-inch का हॉरिजॉन्टल जो है डिस्प्ले देखने को मिलता है, अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ भाई तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मीटर आपको वेलकम करता है, और मीटर इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जैसा कि फीचर्स भी ज़्यादा हैं उसके मुकाबले, तो सारी चीज़ें देख सकते हैं, RPM में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, रियल टाइम माइलेज, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर, और यहाँ पे आपको पास की स्विच देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल का भी फीचर देखने को मिल जाता है, और ये जो 4 बटन दिए गए हैं इससे आप जो है पूरा मेन्यू एंटर कर सकते हैं। इसमें आपको भाई टोटल 5 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, रेन, स्पोर्ट, अर्बन, ट्रैक और भाई सुपर मोटो आपको मोड देखने को मिल जाता है। और भी भाई इसका अगर मैं मीटर एकदम डिटेल में बताने लगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो डेफ़िनेटली इसका मीटर जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और क्योंकि इसमें डेफिनेटली आपको ज़्यादा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो इसको कर देते हैं भाई ये बंद। और टैंक का जो एजेस है वो देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको एक सिमिलर देखने को मिलेगा,
और अब आ जाते हैं इधर, इसका आपको मीटर शो करते हैं भाई। इसमें आपको वर्टिकल मीटर देखने को मिलता है 5 इंच का। तो अगर मैं इसको ऑन करूं तो ये देख सकते हैं भाई, इस तरीके से इसका मीटर आपको वेलकम करता है। और ये भी भाई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बट इसमें जैसे कि फीचर्स उतने ज़्यादा नहीं है। यहाँ से भी आप पूरा इसका मेन्यू जो है टॉगल कर सकते हैं। इसमें हालांकि 4 मोड्स देखने को मिलते हैं, रेन, स्पोर्ट, अर्बन और ट्रैक। और सुपर मोटो मोड जो इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो सिर्फ आपको उसी में देखने को मिलेगा। और बैक आते हैं तो वही सब सारी चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगी। और उसमें आपको जो है भाई RTR 310 में ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है, इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। और जो इसका अगर आप उसमें किट भी लगवा लेते हैं तो उसमें आपको कॉर्नरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, ये सब सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। और हीटेड सीट का भी फीचर आपको जब किट लगवाते हैं तो हीटेड सीट्स का भी फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि सेगमेंट में फर्स्ट है। इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है, ये आप कह सकते हैं उतनी ज़्यादा फीचर लोडेड नहीं है जितना वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको एक चीज़ और मिलती है भाई, इतने सारे मतलब फीचर्स हैं ना भाई, क्या मैं बताऊँ क्या याद रखूँ। और ये देख सकते हैं RTDSC रेस ट्यून्ड डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। उसमें ऐसा कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है भाई। बाप रे, इतने सारे फीचर्स हैं ना भाई, इसमें क्या ही बोला जाए, बताते बताते मैं थक जा रहा हूँ। दोनों ही में आपको रियर में 150 सेक्शंस का रेडियल टायर लीन करिए, कॉर्नर करिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। रियर में 240mm का डिस्क देखने को मिल जाता है दोनों ही बाइक्स में। और इसमें आपको जो इसके अलॉयस है ना, उसमें आपको कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसका आप ब्लैक वेरिएंट भी लेते हैं तो उसमें आपको जो इसका रियर अलॉय व्हील्स है वो रेड कलर का मिलेगा, येलो वाला में देख सकते हैं, येलो कलर का अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है। और हालांकि भाई TVS के बाइक्स में ना आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया मिलता है। दोनों बाइक में आपको 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, तो ग्राउंड क्लियरेंस का इशू कोई भी बाइक में नहीं है। सीट हाइट में हालांकि थोड़ा सा एक डिफरेंस है, इसमें आपको 800mm की सीट हाइट मिलती है, इसमें आपको 810mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब इस पर जो है भाई, इसका इतना जो शार्प और क्या लगती है भाई, मतलब सच में पैसा रहता तो अभी दोनों ही भाई घर ले जाता। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए भाई, एक दिन ज़रूर पॉसिबल होगा कि वीडियो बनाते बनाते भाई हम लोग डिलीवरी भी लेंगे। और आपको मैं बैठ के दिखाता हूँ और सारे डिफरेंसेस दोनों बाइक के। तो जैसे कि मैंने कहा 810mm का सीट हाइट है इसमें, और मेरी हाइट है 5'8" और मेरे दोनों साइड के जो है ना फुट, मेरे दोनों साइड के सिर्फ टो आ रहे हैं, और एक साइड का अगर मैं फ्लैट फुट कर देता हूँ तो सिर्फ एक साइड का बहुत हल्का सा टो आ रहा है। तो शॉर्ट राइडर पे इस पर हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो शॉर्ट राइडर्स को। और इसमें आपको पूरा प्रॉपर एक क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं ये पूरा एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स वाला क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है। राइडिंग पोस्चर की बात की जाए तो इसमें जो है भाई आपको एक एग्रेसिव पोस्चर देखने को मिलता है, थोड़ा सा आप आगे की तरफ लीन रहते हैं, पूरा एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला इसमें आपको पोस्चर देखने को मिल जाता है। फुटपैक्स का पोजीशन भी थोड़ा सा रियर सेट है इसमें। और इसमें आपको भाई अगर मैं कहूँ तो कोई भी क्विक शिफ्टर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, उसमें आपको क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है। और बाई डायरेक्शनल भाई, मतलब अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट आप दोनों कर सकते हैं। अरे भाई, मतलब क्या ही फीचर दे दिया है TVS ने भाई, ज़बरदस्त। सीट्स देख सकते हैं दोनों के जो मतलब राइडर के लिए सीट्स हैं वो इक्वल लग रहे हैं मुझे, कुशनिंग किसी में बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। पिलियन के लिए जो इसका थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है उससे मैं कंपेयर करता हूं तो। और इसमें कोई ऐसा ग्रैब रेल नहीं दिया गया, बस यहां पे आप देख सकते हैं साइड में मेटल का एक साइड पे ऐसे ग्रैब रेल दिया गया है। यहां पे आपको प्रॉपर दोनों साइड का ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है। और इसकी जो सीट है ना वो बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है, तो इस पर पिलियन थोड़ा सा ज़्यादा कम्फर्टेबल रह सकता है। और रियर से देख सकते हैं भाई, रियर से इसका लुक ना, रियर से जो इसका लुक है ना भाई, वो उससे ज़्यादा बेटर है। तो देखिए भाई क्या लग रही है। और रियर में पूरा इसका आपको ये टेल टाइडी है, ये इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए दिया गया है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। और एक बार मैं आपको दिखाऊँ रियर से उसका लुक, देख सकते हैं तो भाई रियर से कुछ इस तरीके का आपको लुक देखने को मिलता है इसमें। रियर में उसका लुक मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। और जो इसमें आपको कोई ऐसा टेल टाइडी वेडी नहीं दी गई है, और जो इसका इंडिकेटर है ना वो पूरा यहीं पे मतलब इंटीग्रेटेड है मडगार्ड में ही, तो ये एक थोड़ी यूनिक चीज़ है। और बंद कर देते हैं दोनों की। अगर मैं आपको चाबी दिखाऊँ
तो दोनों की जो है आपको ऑलमोस्ट सिमिलर की देखने को मिलती है भाई वेव की, और एक थोड़ा प्रीमियम फील आएगा भाई। बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही अगर मैं कहूँ ज़्यादा बढ़िया है। इसमें थोड़ा सा फिट एंड फिनिश मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा एक लग रहा है कि लैग है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का माइनर से इसमें मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा है भाई। और इस पर मैंने आपको बैठ के नहीं दिखा, इसका भी आपको एक बार राइडिंग पोस्चर में बैठ के दिखा देता हूँ और सीट हाइट दिखा देता हूँ। मैंने बताया भाई मेरी 85 फिट, इस पर मेरे जो है ना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेसिबल है, शॉर्ट राइडर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़िया से एक्सेस कर पाएंगे। मेरे जो है एक साइड का पूरा फ्लैट फुट आ रहा है, एक साइड का टो आ रहा है प्रॉपर अच्छे से। और इसका राइडिंग पोस्चर काफ़ी मतलब एक रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर है, एकदम फ्लैट हैंडल बार आपको देखने को मिल जाता है। और अपराइट आप बैठते हैं तो अगर आप बहुत देर तक राइड करना चाहते हैं, लॉन्ग रूट लेते हैं, मतलब हाईवे पर देर तक राइड करते हैं, सिटी में कम्यूट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपको कोई भी बैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि उसमें भी बहुत ज़्यादा आप लीन नहीं रहते हैं R15 की तरह, उसमें भी कम्फर्टेबल है, बट हाँ और ज़्यादा आपको कम्फर्टेबल पोस्चर चाहिए तो डेफिनेटली ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी भाई। अगर आपको टूर वूर ज़्यादा करना रहता है तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी देखने को मिल जाते हैं, उसमें आपको वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो हाँ प्राइस में भी डिफरेंस है, लेकिन हाँ इसका अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं 3,10,000 के करीब आपको पड़ जाएगा। इसका एक ही वेरिएंट है, ये आपको 3,20 का देखने को मिलेगा। तो बस भाई मोस्टली जो भी सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। और अगर मैं कहूँ दोनों में से किसको कौन सी लेनी चाहिए और किसको कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक फीचर लोडेड बाइक चाहिए, नेकेड हाइपर नेकेड चाहिए, एकदम आपको स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल चाहिए, तो डेफिनेटली RTR 310। अगर आपको एक बहुत ही सेक्सी बीस्ट चाहिए, पूरा फुल फेयर्ड मोटरसाइकिल, और आपको फीचर्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, तो RR 310 आपके लिए भाई। तो बस इस कंपैरिजन करते हैं यहीं पे एंड। होप करता है ये वीडियो को पसंद है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।